वेलकम बैक टू लिव एक्टिव वेलनेस और मैं हूं अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे PCOS भी कहा जाता है। हर फीमेल बॉडी कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में मेल हार्मोन प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो महिलाएं जिन्हें PCOS होता है, उनकी बॉडी नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगती है, जिसे एंड्रोजेंस भी कहा जाता है। ये जो मेल हार्मोन्स का ओवर प्रोडक्शन होता है, उस वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस हो जाता है, और इसी वजह से छोटे छोटे मल्टीपल सिस्ट ओवरीज पे डेवलप हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं यानी 15 टू 44 इयर्स की फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। PCOS से सफर कर रही महिलाओं में कई तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज। PCOS से सफर कर रही महिलाओं में यूजुअली डिलेड साइकिल की टेंडेंसी होती है। कई रिसर्चर्स ये सजेस्ट करती है कि PCOS से सफर कर रही महिलाओं को एक साल में 8 से कम बार पीरियड्स आते हैं। हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की टेंडेंसी भी PCOS के पेशेंट्स में बढ़ जाती है, यानी बालों का पतला होना और बालों का गिरना। एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन दी बॉडी यानी अनचाहे बालों का लोअर फेस पे आना, यानी चिन, चीक्स, अपर लिप्स पे एक्सेस हेयर ग्रोथ, यहाँ तक के चेस्ट, बैक और अब्डोमिनल एरिया पे भी हेयर ग्रोथ हो सकती है। मेल हार्मोन्स का एक्सेस होने की वजह से स्किन पे एक्सेस ऑयल सिक्रीशन होने लगता है, जिस वजह से सिस्टिक एक्ने भी डेवलप हो सकते हैं। PCOS से सफर कर रही महिलाओं को इनफर्टिलिटी भी कई बार फेस करनी पड़ती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। विद प्रॉपर ट्रीटमेंट वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। वेट गेन की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है PCOS में। हार्मोनल इंबैलेंस के वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है बॉडी का, और उस वजह से वेट बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यूजुअली वेस्ट लाइन के अराउंड फैट डेपोजिशन इंक्रीज होने लगता है। और एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम जो PCOS के पेशेंट्स में देखा जाता है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन प्रतिरोध। और जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस शरीर में बढ़ता है, तो बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है कि वो और ज्यादा मात्रा में मेल हार्मोन प्रोड्यूस करने लगती है। PCOS के सिम्टम्स को नेचुरली मैनेज करने के मैं आपको आज कुछ तरीके बताने जा रही हूँ। हाँ, वीडियो खत्म होने से पहले दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। PCOS सफर कर रही महिलाओं ने प्रोटीन इंटेक पे खास ध्यान देना चाहिए। एग्स, फिश, चिकन, ये सारे लीन प्रोटीन के बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं, तो आपने रेगुलर डाइट में अपने इसे इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप एक वेजिटेरियन हैं, तो दालों का, स्प्राउट्स का अपने खाने में इंटेक बढ़ा दीजिए। आप सोयाबीन भी अपने डाइट में मॉडरेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। आपने अपने डाइट में से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हटा देना है, रिफाइंड कार्ब्स हटा के उसे रिप्लेस करना है होल ग्रेन से। साथ ही साथ आपको इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में हेल्दी फैट्स, जिसमें आप इंक्लूड करेंगे नट्स, ड्राई फ्रूट्स, और आपको इंक्लूड करना चाहिए सीड साइक्लिंग, जो PCOS के पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैं ये सीड साइक्लिंग का वीडियो अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आई बटन पे इसका लिंक भी है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं सीड साइक्लिंग कैसे करते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। हार्मोनल बैलेंस के लिए आयरन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो रेगुलर डाइट में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और दालों का कंजम्पशन को मैक्सिमाइज कर देना चाहिए। उससे आपके बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, साथ ही साथ आयरन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। PCOS के पेशेंट्स के लिए बेरीज का इंटेक भी बहुत ही फायदेमंद होता है। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज, मलबेरीज, ये इंटेक आप अपने रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दें।
क्योंकि इसमें बहुत हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी ये बॉडी को देती है। PCOS से सफर कर रही महिलाओं में अक्सर विटामिन डी डेफिशिएंसी देखी गई है। अगर आप PCOS से सफर कर रहे हैं तो अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करा लें और अपने फिजिशियन से बात करके विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी कंसिडर करें अपने डाइट में। आगे मैं जो आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ जो आप अपने डाइट में अगर रेगुलर इंटेक करेंगे तो ये आपके बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेगी और इसके एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स भी है जो आपके बॉडी के मेल हार्मोन्स को सप्रेस करने में हेल्पफुल रहेंगे। PCOS के पेशेंट्स के लिए हमारा फर्स्ट सुपरफूड है ग्रीन टी। ग्रीन टी हेल्प करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और वो महिलाएं जो PCOS की वजह से ओवरवेट और ओबेसिटी फेस कर रही है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। दिन में 2 से 3 बार ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए PCOS के पेशेंट्स ने। एक रिसर्च बताती है कि स्पर्मिन टी में एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स रहते हैं, ये बॉडी के मेल हार्मोन्स को सप्रेस करने में बहुत इफेक्टिव होते हैं, तो आप स्पर्मिन टी भी ट्राई कर सकते हैं। हल्दी का भी रेगुलर डाइट में इंटेक करें क्योंकि हल्दी में होती है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और ये PCOS के सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। सिनेमिन यानी दालचीनी ये बॉडी के इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, साथ ही साथ ये आपके पीरियड साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने में हेल्प करती है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है लिकोरीज यानी मुलेठी। मुलेठी में एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं तो मुलेठी भी आप अपने डाइट में डेली इंक्लूड करें। PCOS के पेशेंट्स ने 8 से 10 पत्ते रोज तुलसी के खाली पेट च्यू करके खाना ही चाहिए। इससे बॉडी के कोर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है। हर रोज 1 चम्मच भीगा हुआ मेथी दाना खाने से PCOS के पेशेंट्स को बहुत ही फायदा होगा सिम्टम्स से ओवरकम करने में। मेथी दाने में एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है और ये बॉडी के इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। मेथी दाना एक बहुत ही पोटेंशियल सोर्स है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करती है, फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करती है, तो मेथी दाना अपने डाइट में इंक्लूड करना ना भूलें। आप अपने डेली रूटीन में अश्वगंधा सप्लीमेंट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अश्वगंधा बैलेंस करता है बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स को और PCOS के सिम्टम्स में आराम दिलाता है। अब बात करते हैं उस फूड लिस्ट की जो PCOS के पेशेंट्स ने अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहला है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड यानी मीठी चीजें खाने में अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ बनाना, मैंगो और चीकू भी मॉडरेशन में ही लेना चाहिए क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा है। स्टार्ची फूड जैसे राइस, पटेटो, स्वीट पटेटो भी मॉडरेशन में ही ले। अनहेल्दी फैट्स, डीप फ्राइड फूड भी मैक्सिमम कोशिश करें कि आप ना ले अपने डाइट में। रेड मीट, सॉसेजेस भी अवॉइड करें। सॉलिड फैट्स जैसे बटर, मार्जरीन, क्रीम, चीज ये भी अवॉइड करें तो बहुत अच्छा होगा। अपना डेयरी इंटेक भी मिनिमम कर दे। कई रिसर्चेस में देखा गया है कि डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करने से PCOS के सिम्टम्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। हेल्दी डाइट साथ ही साथ 45 टू 50 मिनट्स की रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 डेज अ वीक विल डेफिनेटली हेल्प टू इम्प्रूव द सिम्टम्स ऑफ PCOS। रेगुलर एक्सरसाइज बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करती है और बॉडी के एक्सेस मेल हार्मोन्स को सप्रेस करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, मैं एक वेट लॉस कंसल्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन हूँ। मैं ऑनलाइन PCOS मैनेजमेंट प्रोग्राम्स रन करती हूँ, तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई डिटेल चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।